एवरीवन, वेलकम टू आसान है। आज की क्लास में हम सार्क के बारे में जानेंगे। देखिए, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक राजनीतिक संगठन है। देखिए, इसमें 8 देश शामिल हैं: अफगानिस्तान, भारत, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम सार्क के निम्न पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि सार्क का सामान्य परिचय, सार्क का इतिहास क्या है, इस संगठन का संचालन कैसे होता है, सार्क के शिखर सम्मेलन और सदस्य देशों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है और अभी वर्तमान में इसमें कुल 8 देश शामिल हैं। देखिए, अभी वर्तमान में इसके महासचिव हैं बांग्लादेश के गुलाम सरवर। इसकी शुरुआत में केवल 7 देश थे। अफगानिस्तान को 2007 के शिखर सम्मेलन में 8वां सदस्य बनाया गया है। यहाँ से सभी फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आपको सभी फैक्ट याद कर लेना है। 1970 में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के सामने एक व्यापार ग्रुप, जिसे हम गुट बोल सकते हैं, बनाने का प्रस्ताव रखा। अप्रैल 1981 में 7 देशों के विदेश मंत्री श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में पहली बार मिले थे और इस घोषणा को 1983 में 7 देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा अपनाया गया था। इस बैठक के दौरान सभी देशों ने सहमत क्षेत्रों में, जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, सुदूर संचार, मौसम, डाक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य, खेल में एक साथ मिलकर एकीकृत कार्य योजना की शुरुआत की थी। ये सभी सार्क के सहमत क्षेत्र हैं। 8 दिसंबर 1985 में केवल 7 देश, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव ने मिलकर इस संगठन की औपचारिक रूप से स्थापना की थी। इसके बाद भारत के प्रयासों से 13 नवंबर 2005 में अफगानिस्तान को शामिल किया गया था। 3 अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में मान्यता मिली थी, जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस संगठन का संचालन कैसे होता है। संगठन का संचालन संगठन के सदस्य देशों की मंत्री परिषद द्वारा महासचिव की नियुक्ति 3 साल के लिए की जाती है। महासचिव की नियुक्ति अल्फाबेट क्रम में होती है, जैसे कि अभी वर्तमान में महासचिव हैं गुलाम सरवर, जो बांग्लादेश के हैं। इनके कार्यकाल पूरा होने के बाद 3 साल बाद भूटान को, फिर 3 साल बाद भारत के महासचिव बनाए जाएंगे। तो इस अल्फाबेट क्रम में महासचिव की नियुक्ति की जाती है। सार्क के प्रथम महासचिव हैं बांग्लादेश के अब्दुल एहसान। तो अभी तक हमारे भारत के 2 व्यक्तियों को इस संगठन का महासचिव बनाया जा चुका है। पहले हैं कांत किशोर भार्गव, जो दूसरे नंबर के महासचिव थे, 1989 में इन्हें बनाया गया था। दूसरे नंबर पर हैं सीलकांत शर्मा, जो 2008 में बनाए गए थे। अब हम जानेंगे शिखर सम्मेलन। सार्क का जो पहला शिखर सम्मेलन है, वह 7 से 8 दिसंबर 1985 में आयोजित किया गया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। दूसरा शिखर सम्मेलन 16 से 17 नवंबर 1986 में भारत के बेंगलुरु में आयोजित किया गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अभी तक कुल 18 शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। 18वां शिखर सम्मेलन 2014 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया था। 19वां शिखर सम्मेलन 2016 में पाकिस्तान में आयोजित होना था, लेकिन भारत समेत बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था, जिसके बाद से यह सम्मेलन रद्द करना पड़ा था। अब भारत में कितनी बार शिखर सम्मेलन हुआ है, तो यह 3 बार हुआ है। दूसरा शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन 1986 में किया गया था, भारत में बेंगलुरु में किया गया था और इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और जो 8वां शिखर सम्मेलन है, 1995 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। और जो तीसरा है, जो 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो इस तरह हमारे भारत में 3 बार शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।